वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बड़ी जल्दी में हूँ यार। आज हमने जो है ना वो भाई खाना मंगवाया था गौसिया नली बिरयानी से। आप लोग को तो पता ही है कि माशाल्लाह घर रेनोवेट हो रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है। उसी खुशी में मैंने बोला कि यार सेलिब्रेट करते हैं, और आपको पता है किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, हमारे घर वालों के साथ। तो आज हम नली बिरयानी के साथ जो है ना वो खाना शाना खाएंगे। और मैंने बोला अरसला को यार जल्दी से इसकी वीडियो भी बना लेते हैं, अच्छी सी अजान हो रही है, मैं बाद में बात करूँ। ना मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ। हमने जल्दी जल्दी से खाना खाया है। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त कॉन्सर्ट में। जी बेटा, थैंक यू बेटा। कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? आप शहजाद भाई की बेटी हो? अच्छा, मुझे बताया था शहजाद भाई ने। ये छोटी वाली बेटी है ना? माशाल्लाह, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फैंस मिल रहे हैं भाई। सो मम्मा की तरफ जाके ज़्यादा मैं वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल, वहाँ पर एक शो है। अरसला है, उनके किसी फ्रेंड का एक शो है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। मैं, काशिफ, अरसला, हम तीनों। एनी को भी आना था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई क्योंकि हमारे छोटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको वैक्सीन लगी थी। सो बस खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर मेरा यार बिल्कुल सेट हो गया है, लेकिन अभी बिल्कुल सेट नहीं हुआ है क्योंकि फर्नीचर मेरा अभी तक नहीं आया है। जो दो कुर्सियाँ वगैरह मैंने दी थी, कंसोल टेबल मैंने दी थी, वो अभी नहीं आई है। बहुत सारा सामान नहीं आया। खैर, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अरसला आ रही है, गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। लेट्स गो। ओके इजी। सो भाई हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। अरसला वहाँ शो है ना? कॉमेडी शो है? अच्छा, तो बड़ा मजेदार सा शो है, आप लोग को दिखाएंगे। इजी हमारे साथ है। इजी, आर यू एक्साइटेड? वेयर इज योर चॉकलेट? दैट लेफ्ट ओवर चॉकलेट, वेयर इज दैट? एट नन्नास प्लेस। ओके, हाउ वाज योर स्कूल टुडे? दैट वाज गुड। स्कूल अच्छा गया आपका आज? गुड। ओके, से हाय टू एवरीवन। से हाय टू एवरीवन। हाय, लेट्स गो, वी आर अबाउट टू रीच गाइस। अभी किसी को लेकिन ऐसे नहीं कहती, तुम ये नहीं कहती, तुम इससे कहीं ज्यादा कहती बस हो। मेरी कोई हटाए ना, क्योंकि फिर अब मैं छोड़ती नहीं हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ आर्ट्स काउंसिल। अच्छा, यहाँ तो कोई कल्चर का भी कुछ चल रहा था, कुछ शो चल रहा था। अच्छा, वो यही चल रहा है मेरे ख्याल से। कहाँ जाना है, शो किधर है, पूछ लो किसी से। सो हम लोग पहुँच चुके हैं इधर शो में। कहाँ जाना है, कौन सा शो है? अच्छा सेटअप था। आएंगे ना अभी, बोलो आएंगे ना। बड़ा प्यारा सेटअप है, जबरदस्त सेटअप है। अच्छा जी, सो हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। अभी टिकट पे देखा जा रहा है, बस हम लोग आ गए हैं मुंह उठा के। ठीक है, और ये मुंह उठाने में भी इतना तैयार होकर आई, मैं तो बस ऐसे ही सादी सी तैयार होके आ गई हूँ अंदर। मुझे लग रहा है शो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है। ये देखो, अपने आगे किसी को नहीं बोलने। It's a dark comedy theater. Dark comedy theater. आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसको समझ नहीं आया। अरे कहना क्या चाहते हो? Let's go. I was like, हम स्टाइल अवार्ड में जब हम गए थे ना, मैं और अरसला और बिलाल सईद को इतना करीब से सुनना ऑनर की बात थी मेरे लिए, बहुत ज्यादा। उस वक्त मैं बता नहीं सकती, बिलाल सईद मतलब उनके जो गाने हैं ना, उसकी तो खैर बात ही अलग है, लेकिन बड़ा मज़ा आया था यार लक्स स्टाइल अवार्ड में। आई विश के भाई अभी लंदन में हो रहे थे, आई विश के फिर दोबारा से हो तो हम लोग जाएं, है ना अली भाई? अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो कुछ नहीं। आई नो व्हाट यू वांट टू से। आई नो, दिल वाले पूछ दे नहीं जान। तो तुम अब देखो कहाँ से कहाँ पर पहुँचे। हमें बड़ी अपनी मेहनतें याद आ जाती हैं यार, बड़ी मेहनतें करके जो है ना वो। अरसलना इधर आओ। अरसलना, लेट्स टेक अ पिक्चर। आओ, गेट क्लोज हो गया, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। नाजरीनो हजरात, मोहल्ले हो गया है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? वाह, कैसा लगा आप लोग को सरप्राइज? सच कह रही थी वो, एनी को मना करो राइट, एनी को मना करो भाई, ये तो बहुत ही पुलिस वालों के पास। वाह, ऐसा सीन था, मुझे क्या पता। नहीं नहीं, तो 25 मिनट्स हो गए ये लोग भी उससे, जब हम आए तब भी गेट क्लोज ही था। गेट क्लोज ही था ना? हाँ, बोला था।
गाइस माशाल्लाह हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त सीन हो गया है, हम लोग का गेट ही क्लोज हो गया है। वाओ क्या बात है, वाओ वेरी नाइस वेरी नाइस। अब उससे बात कैसे होगी हमारी, ऐसा इतना जबरदस्त मोए मोए हो गया है। वैलेट तो तुम्हारा खैर फ्रेंड है, वो तो कभी के लिए भी हो जाएगा। गाइस हम लोग आए थे यहाँ आर्ट्स काउंसिल शो देखने के लिए और यहाँ पर हमारे साथ हो गया है मोए मोए, हमें अंदर जो है जाने नहीं दे रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी आया हुआ हो, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। और ये तो बड़ा बैड सीन हो गया, टाइम पे पहुँचना था हमको लेकिन टाइम पे हम नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ पर जो है वो बोल रहे थे इंटरव्यू दे दें, अरसल ने बोला गुस्से में हम इंटरव्यू भी नहीं देंगे, जब हम अंदर गए नहीं तो हम इंटरव्यू काहे का देंगे। तो खैर बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, लग रहा था फ्री में वो इंटरव्यू ले लेंगे उनका, लेकिन मेरे होते भी मैं ऐसा होने नहीं। आपको कह रहे थे वो बेटा मुझे तो बोला भी नहीं कोई नहीं देगा इंटरव्यू, ठीक है पैसे दो काम लो, ऐसा फेवर फेवर है, फेवर नहीं देंगे किसी को भी। चलो ना यार चलो यहाँ से निकलो, लेट्स गो। सो भाई हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अभी, और अब अगर नेक्स्ट टाइम हमारा जब भी होगा ना, हाँ नहीं होंगे वेस्ट हो गए, वेस्ट हो गए। कल के हैं तो चेंज होंगे, आज के हैं तो टाइम खत्म होगा। वो तो खैर तुम्हारा जो फ्रेंड है वो दे ही देगा कुछ ना कुछ। यार लेकिन हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे अरसला से, 5 मिनट की डिफरेंस से हुआ है, यानी वो सही बोल रहे थे कि गेट बंद हो जाएंगे, तुम ही सीरियस नहीं ले रही थी, खाना खाने में लगी हुई थी। चल झूठ कह रही थी, आके खा लेना आके ठूस लेना, पर इनको नल्ली बिरयानी खानी थी। इतना कॉमेडी करने वाला है ना कि वो कब सीरियस बात कर रहा है कब मजाक कर रहा है पता ही नहीं चलता। हाँ हम कॉमेडी जो करते हैं ना हमें कोई सीरियस वैसे भी नहीं लेता, उसका नहीं बेटा, मेरे साथ भी तो यही प्रॉब्लम है, तुम लोग मेरे को सीरियस नहीं लेते। मेरी जान देखो मोए मोए, अच्छा हुआ है नहीं आप नहीं आई, इतनी दूर से सात समंदर पार से मेरी बहन है नहीं आती, और फिर यहाँ पे सीन जो है ना वो ऑफ हो जाता। खैर यहाँ पर रश नहीं है यार, आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं करते हो इस तरह के कल्चर फेस्टिवल्स को, आया करो। और अगर आपको पता चले कि इस तरह की कुछ हो रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा जो है ना भाई कुछ चल रहा है, और वो देखो सामने सारे स्टॉल विस्टॉल्स भी लगे हैं, तो आया करें यार आप लोग, सपोर्ट किया करें इस तरह के इवेंट्स को भी। यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं, हाँ ये डिज़ाइन बनाया था। यार काशी यार इतना हम लोग यार आए यार, इतने दिल से आए यार अरसलना, तुम तो भाई गड़वाया ही करो, हर जगह गड़वाया करो। इसको मैं कह रही थी कि भाई घर पे खा लेंगे बाद में खाना, नहीं इसको पड़ी नहीं थी खाने की, इसको सिर्फ वो था, नहीं नहीं इसको खाने की पड़ी थी सॉरी, इसे कोई शो की नहीं पड़ी थी। यार अरसल ना छोड़ो दफा करो, यहाँ पे पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, पीछे बैकग्राउंड में हमारे ये आएगा। इस लाइफ में आपको इतना मैच्योर होना है कि अभी हम आए थे यहाँ पर शो के लिए, बड़ा हमने अपने काम काज छोड़े, उसके बाद हमने शो नहीं भी देखा, उसके बावजूद हम लोग खुश हैं। ऐसा ना मैं कह रही हूँ लाइफ में इतना मैच्योर होना है कि अगर कुछ भी हो कुछ नहीं होता है ना, हम इतना तैयार होकर आए शो के लिए लेकिन शो नहीं देखा तो हमें कोई जरा बराबर भी अफसोस नहीं, हम जाके कहीं बैठ जाएंगे एंजॉय कर लेंगे। पता नहीं किस किस चीजों से गुजर गए लाइफ में कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें तो हम बैटर ही नहीं करती। पहले से गाड़ी मंगवाइए जी, ये एंजॉय कर रहा है सही से। इजी जानो यार तो बड़ा अच्छा होता है, और मुझे पता है आर्ट का इतना शौक है ना, आर्ट का नहीं वो जो बंदा है ना बेसिकली उसका कॉमेडी लेवल और उसका परफॉर्मेंस लेवल यार, उसका जो है ना वो थिएटर का बंदा है यार। जब आपको उसने बोला कि 8 बजे गेट बंद है अरसला, अलाउ नहीं करेंगे, तो और उसको गेट पे किसी को बोलना चाहिए था ना कि यार अगर ये नहीं हो पाया पहली बात, दूसरी बात ये कि जिस तरह हम पहले आते रहे हैं शोज वगैरह देखने के लिए, तो उसमें मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं, हम अपने टाइम से आए गए, तो मुझे शराबील की तरफ आई हूं, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट, शकील सिद्दीकी सर की तरफ बहुत आई हूं, बट दिस हैपेंड, इट्स ओके। आ जाए आ रही है गाड़ी,
गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। इसी बात कर रही हो केपरी सिनेमा में तुमको पिक्चर दिखाएंगे हम। काशी आप गए हो केपरी सिनेमा? अच्छा मैं गई हूँ, एक बार गई थी केपरी सिनेमा जब गरीब होती थी ना मैं जॉब पे, हमारा बजट कम होता था तो तब एक बार केपरी सिनेमा हम लोग गए थे अपनी ऑफिस से जॉब पे से मूवी देखने का हमने प्लान बनाया था। आ गई गाड़ी, अपने साथ मोए मोए। हम पहुंच चुके हैं भाई हमारी फेवरेट प्लेस पर। यहाँ पर हम लोग जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा चिल करेंगे, चाय शाय पियेंगे, खाना तो हमें खाना नहीं है, नल्ली बिरयानी ठूस के आए हम। और मेरा बड़ा दिल है कि अरसला के साथ कुछ प्रैंक किया जाए, कुछ ना कुछ तो किया जाए ऐसा कि ज़रा मज़ा आए, लेकिन यार मेरा हमेशा प्लान कामयाब नहीं हो पाता। आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल हो सब लोग का साथ है, लेकिन यार ये जो कंटेंट है ना ये मेरे अकेले का है, कसम से ये मैं खुद ही सोचती हूँ खुद ही बनाती हूँ, कोई ज़्यादा साथ ही नहीं देता। कब से हमारी जो है ना वो बहन का इंतज़ार हो रहा है, वो आई नहीं है अब तक। अजान साहब बैठे हुए अपना फ़ोन में लगे हुए हैं, सब लोग ही अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। और ये रही आपकी बहन, और अभी अभी यहाँ पर हमें तमाशा के बहुत सारे लोग दिखे हैं। जुनेद तो वो हैं यहाँ पर, इसके अलावा वो जो फर्स्ट सेकेंड वीक में इविक्ट हो गए थे अब्दुल्ला वो हैं यहाँ पर, तस्नीम सदफ डिज़ाइनर जिनके कपड़े हम पहनते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें, वो आई हुई हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ। थोड़ी देर में जाते हुए हो सकता है आप लोगों को मैं मिलवा दूँ। हाय एवरीवन, रूच की तारीफ करें, रूच स्माइल कितनी अच्छी है बताएं। माशाल्लाह ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है दूसरे दिन ही। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, हमारी लड़ाई हो जाती है। बाय बाय। आंखें बंद करो और उठा लो। अशिफ कह रहे हैं उरूज मेरा कार्ड दे दो, मैंने कहा काशी मेरा कार्ड देने दो, उसमें इतने पैसे ही नहीं। बहुत अच्छा लगेगा। पूरा बिल नहीं जा पाता मेरे कार्ड में से, मुझे पता था। ओके गाइस, सो हम लोगों का डिनर हो चुका है, बहुत ही अच्छा बहुत ही मज़ेदार डिनर। हफ्ते में एक बार यार हम लोग फैमिली बैठते हैं, बात बात करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द और खुशियां डिस्कस करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आई होप आप लोग भी बैठते हो, नहीं बैठते तो भाई अपनी फैमिली के साथ हमेशा एक आध गेट टुगेदर रखा करें लाजमी, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, आई लव दिस प्लेस बाय द वे, आई लव दिस प्लेस। थक गए आप? Don't do this. Izzy, yeah. Listen. You feel tired? No? Still fresh? Wow. So let's go. चलते हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा हमें और ज़बरदस्त हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's go, let's go, let's go. We are getting late. So भाई स्कूल जाना होता है ना, जब इब्राहिम कह रही हूँ अजानू को, सो अजानू की इस वक्त बैटरी बिल्कुल लो जाती है। अभी हमारी कोशिश होती है कि अजानू को हम अपने साथ रखें, चुच्चू को छोड़ दें ताकि मेरी बेचारी मम्मा को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, बिकॉज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। आई एम सॉरी, हाउ आर यू फीलिंग? गुड, फाइन, शो मी योर वॉच। वाओ, इज इट लाइक कूल? You like it? Yeah. No. Why? No. Why no? No. Let's go, guys. Back to the home. जी, सो भाई आज आपकी जो बहन मिली है वो मिली है तमाशा के जुनेद से, एंड आप लोग जो लोग भी तमाशा देखते हैं
उनको पता होगा मैं तो जो है माही बलोच एक मेरी बड़ी फेवरेट थी। जुनैद जो है वो अरसला के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और उनके थ्रू जो है ना वो जुनैद मुझे भी बड़े अच्छे लगने लगे। खुद से उनकी पर्सनालिटी जब मैंने उनको देखा तमाशा में बहुत यू नो डिग्निटी के साथ बहुत ऑनेस्टी के साथ बहुत ही एक रिस्पेक्टेड वे में उन्होंने जो है ना वो भाई सारा कुछ किया। बड़ा मज़ा आया देख के। तो उनसे आज जो है ना वो हम लोग बैठे हुए थे तो मिले, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। आई होप आपने भी देखा होगा, वो क्लिप मैं लगा दूंगी जब हम उनसे बात कर रहे थे। एंड ही इज़ वेरी हैंडसम माशाल्लाह, जैसा वो दिखते हैं ना टीवी पे उससे कई गुना ज़्यादा, इतने प्यारे इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो जुनैद भाई आपके लिए बहुत सारा प्यार एंड यस आई एम सो एक्साइटेड। अभी एक दो दिन में ग्रैंड फिनाले होने वाला है तमाशा का, तो हमें हमारा विनर मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलो जल्दी से घर चलते हैं। काशिफ मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा नाराज हूँ। I love you too. Shut up! Nonsense. मैं इनसे क्यों नाराज हूँ ना ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। अभी के लिए आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा। एंड यस बताऊं इन लोगों को काशी ऐसी बड़ी जगह पे आई हूँ आज तो मैं, यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। हेलो तमाशा वाले जुनैद सर। ओह माय गॉड तमाशा वाले जुनैद सर, हाँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे अल्लाह मियां आप यहाँ पे हमें मिलने क्या हो गया है, क्या चल गया है, क्या हो गया सर? करीब आओ करीब आओ, इनकी खूबसूरती को सही से कैप्चर कर लो। इतना हम तो आपको भाई इतना मिस कर रहे थे, हमने तो तमाशा देखना ही भाई नहीं हमसे देखा जा रहा था आपके बिना। भाई क्या खेले हैं आप, क्या तमाशा में आपने तमाशा लगाया है, इतना कोई मजा आया, इतना कोई मजा आया। सारी लड़कियां तो क्रेजी हो गई है पूरी दुनिया की आपको देख के। ऑनेस्टली बताऊं मैं आपका फैन हूं। हाय नहीं हाय, मैंने तो आपको देख लिया, मैं तो दिल ही नहीं संभलने में आ रहा, मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच।